हेलो गाइस, वेलकम बैक धनुक एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको एक कूलर बनाकर दिखाया था, जो कि गाइस सर काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से यार उसने काम किया, और मैं उसे यार खुद पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ आज भी। फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार वीडियो को जरूर देखना, काफी ज्यादा फ्रेंड्स वैल्यूएबल वीडियो है। तो गाइस, उसमें हमने एक छोटा सा वाटर पंप यूज किया था, जो कि गाइस काफी ज्यादा लोगों को नहीं मिला, तो फ्रेंड्स वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं हो पाता। तो गाइस, हमने सोचा यार क्यों ना हम फ्रेंड्स इसको भी बनाकर दिखाएं आपको, जिससे फ्रेंड्स आप इसमें लगा सकते हो और अपने काफी ज्यादा पैसे को आप बचा सकते हो। तो फटाफट से गाइस इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार आपका अपना चैनल है। तो फटाफट से गाइस करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, इस पावरफुल वाटर पंप बनाने के लिए सबसे पहले हमारे लिए आवश्यकता होगी गाइस एक पीवीसी पाइप की। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक पीवीसी का पाइप लिया है, जो कि गाइस यार लेंटर में लगता है। अब यहाँ पर इसका मैंने कुछ इतना बड़ा एक यहाँ पर पीस कट किया है। अब गाइस, यहाँ पर हमने जो पीस कट किया है वो आपको बता दूंगा किस लिए कट किया है। अब जो सेकंड चीज की आवश्यकता होगी वो होगी गाइस यहाँ पर एक डीसी मोटर। तो यहाँ पर मैंने एक 555 आरपीएम की एक मोटर ली है। अगर आप इसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो तो आप हाई आरपीएम की मोटर ले सकते हो। अब गाइस, यहाँ पर जो सेकंड चीज़ लिया मैंने वो लिया फ्रेंड्स यहाँ पर एक कैपेसिटर, जो कि पंखे का फ्रेंड्स ख़राब कैपेसिटर है। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स इसको खाली कर लेना है। तो यहाँ पर इससे मैं खोल लूँगा गाइस। तो गाइस, इसको यहाँ पर मैंने खोल लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइस, यहाँ पर इसे मैंने खाली कर लिया है। अब गाइस, यहाँ पर जो हमारी मोटर है उसको हमें इसके अंदर लगा लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसे हीट कर इसके अंदर फ्रेंड्स इसको डालने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारी मोटर फ्रेंड्स वो उससे थोड़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मोटी है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से फ्रेंड्स अपनी मोटर को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब गाइस, यहाँ पर जो हमने मोटर को फिक्स कर दिया, अब जो इसके पीछे का फ्रेंड्स हेड है उसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइस यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम लगता है ऐसे प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाने में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसको इतना रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे वायर से। तो यहाँ पर हम दोनों पर फ्रेंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। अब गाइस, यहाँ पर हमने इसके ऊपर के कवर उतार लेने हैं, क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और हमें इसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए गाइस हमने इसे उतार लिए गाइस। तो गाइस, हमने इसके दोनों को यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। अब गाइस, ये जैसा था उसे वैसे ही हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सुपर ग्लू की सहायता से इसे बिल्कुल अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स मोटर का केबिन है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर फ्रेंड जरा सा भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। हमारी मोटर गाइस ख़राब होने के बिल्कुल भी चांस ख़त्म हो चुके हैं गाइस। अब गाइस, यहाँ पर जो हमने पीस लिया है उसका मैकेनिज्म हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स एक ख़राब पैन ले लिया है। अब यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी फ्रेंड्स इसके अंदर की जो बत्ती होती है गाइस उसकी। अब यहाँ पर हमें इसके फ्रेंड्स जो इसकी साफ्ट है उस पर गाइस एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग तरीके से काम करेगी। अगर यहाँ पर हम कोई और चीज़ लगाते गाइस तो वो इतनी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसके साथ पकड़ नहीं कर पाती, और हमारे लिए फ्रेंड्स इतनी फ्रेंड्स मिल भी नहीं पाती जो कि फ्रेंड्स हम इसको लगा सकती थी इसमें। तो यहाँ पर हमने कुछ इसका इतना बड़ा पीस कट कर लिया है गाइस। अब यहाँ पर मैंने इसे आगे वाले को क्यों कट किया है गाइस वो आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसके आगे का फ्रेंड्स नोब्स है उनको निकाल दिया है गाइस। अब गाइस, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्रेंड्स हम इसको लगा देंगे, और यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेंड्स सीधा होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर टेढ़ा होगा गाइस तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें प्ले आ जाएगी, जिससे फ्रेंड्स मोटर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो आप फ्रेंड्स इसके जो आगे का फ्रेंड्स पिन है फ्रेंड्स उसको मैंने यहाँ पर हटा लिया है। अब यहाँ पर गाइस हमने एक छोटा सा फ्रेंड्स इसे हीट कर फ्रेंड्स इसके नीचे का फ्रेंड्स हमने बॉटम तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कैंची की मदद से यहाँ पर इसके नीचे का फ्रेंड्स उसको काट लूँगा फ्रेंड्स, और उसे फ्रेंड्स रफ कर उस पर लगा दूंगा। तो गाइस, हमारा फ्रेंड्स वाटर का जो पंप है फ्रेंड्स वो यहाँ पर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स 80% बनकर। अब गाइस, यहाँ पर हमारे लिए जो सेकेंड काम करना है वो यहाँ पर गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है गाइस। तो गाइस, हमने इसको यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमारे लिए इतने बड़े पीस की एक और आवश्यकता होगी। अब गाइस, यही यार इसका सबसे ज्यादा मेन अमेजिंग पीस है गाइस, यही का गाइस इसमें काफी ज्यादा यार अमेजिंग काम है। तो गाइस, हमें कुछ इसको यहाँ पर थोड़ी ऐसी मार्किंग कर लेनी है गाइस, और यहाँ पर हमने कुछ इसको इस तरह से काट लिया है। अब गाइस, यहाँ पर जो हमने इसके लगाना है वो गाइस यहाँ पर इसे बिल्कुल मिडिल में इसके लगा देना है। अब यहाँ पर हमने सुपर ग्लू से गाइस इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है।
यहाँ पर गाइस कोई सी यहाँ पर लूजिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे गाइस यार हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें फ्रेंड इसको लगाना है, वो यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा ऊपर का हेड है वो यहाँ पर थोड़ा फालतू है, तो उसे यहाँ पर हमें कट कर लेना है। उससे पहले गाइस यहाँ पर हमें एक छोटा सा यहाँ पर होल करना होगा, जिससे गाइस हम उसके पानी का आउटलेट यहाँ पर बना सकें। तो यहाँ पर गाइस हमने एक छोटे से फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रेंड इसका आउटलेट का यहाँ पर एक फ्रेंड्स पिन ले लिए गाइस। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स एक छोटा सा यहाँ पर इसका ट्यूब सा लिया है गाइस, जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पर पकड़ बना लेगा। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स इसे टेपर में थोपड़ा यहाँ पर कट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसे इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं गाइस यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइस यार वीडियो को फ्रेंड्स अगर आपको यार अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार गाइस आपको तो पता ही है गाइस मैं यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपको बनाकर दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप जो वाटर पंप है वो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। तो गाइस आप इसका लुक देख सकते हो यार कितना यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो लुक है वो यहाँ पर अमेजिंग आ रहा है। अब यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ, आप इसे लगा सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आपको इसको टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इसे 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं एक UPS से इसे चालू कर आपके लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैं जैसे ही फ्रेंड्स इसे आप इसमें लगाऊंगा तो इसका पानी का फ्रेंड्स आप इसका प्रेशर देखना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार जो मोटर का प्रेशर है गाइस वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्रेंड्स तेज़ी से फेंक रही है। हम जो कूलर बनाएंगे गाइस उसमें तो यार काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी तरीके से फ्रेंड्स पानी को फेंकेगी। अब गाइस उस कूलर में मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाने वाला हूँ, और गाइस मैं इस पर और भी प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।